कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक में महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार को लेकर दो टूक कहा कि अब जवाबदेही तय की जाएगी और कठोर निर्णय लिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM ने चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है और ऐसे में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना निर्वाचन आयोग का संवैधानिक दायित्व है। कार्य समिति ने यह फैसला किया कि चुनाव प्रक्रिया में हो रहे गंभीर समझौते से जुड़ी चिंता को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उठाया जाएगा। पार्टी का यह भी कहना है कि वह इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी साथ लेगी। आपको बता दें कि पार्टी ने चुनावी प्रदर्शन और संगठन के मामलों पर विचार करने के लिए एक आंतरिक समिति गठित करने का फैसला भी किया है। बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, KC वेणुगोपाल, जयराम रमेश और पार्टी के कई अन्य नेता शामिल हुए। करीब 4.5 घंटे तक चली मैराथन बैठक में 81 नेताओं ने भाग लिया। आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया कि जब चुनाव को लेकर जवाबदेही तय करने की बात हो रही थी तो राहुल गांधी ने कहा, खड़गे जी चाबुक चलाइए। कार्य समिति की बैठक में दिए अपने अपने संबोधन में खड़गे ने कहा कि अपनी पार्टी नेताओं को अनुशासन का सख्ती से पालन करना चाहिए और पार्टी को पुराने ढरे की राजनीति से हर बार सफलता नहीं मिल सकती। कांग्रेस और उसके सहयोगियों को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले उसे हरियाणा में भी आश्चर्यजनक हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि खड़गे ने कार्य समिति की बैठक में कहा कि हमें तुरंत चुनावी नतीजों में सबक लेते हुए संगठन के स्तर पर अपनी सभी कमजोरियों और खामियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। ये नतीजे हमारे लिए संदेश है। उन्होंने कई प्रदेशों में पार्टी के भीतर गुटबाजी की ओर इशारा करते हुए कहा कि सबसे अहम बात जो मैं बार बार कहता हूं कि आपसी एकता की कमी और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हमें काफी नुकसान पहुंचाती है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जब तक हम एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला बंद नहीं करेंगे तो अपने विरोधियों को राजनीतिक शिकस्त कैसे दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसलिए जरूरी है कि हम सख्ती से अनुशासन का पालन करें, हर हालत में एकजुट रहना है। पार्टी के पास अनुशासन का भी हथियार है, लेकिन हम नहीं चाहते कि अपने साथियों को किसी बंधन में डालें। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सबको ये सोचने की दरकार है कि कांग्रेस पार्टी की जीत में ही हम सब की जीत है और हार में ही हम सब की हार है। पार्टी की ताकत से ही हमारी ताकत है। इस दरमियान खड़गे ने कहा कि चुनाव में माहौल हमारे पक्ष में था, लेकिन केवल माहौल पक्ष में होने पर से जीत की गारंटी नहीं मिल जाती है। हमें माहौल को नतीजों में बदलना सीखना होगा। क्या कारण है कि हम माहौल का फायदा नहीं उठा पाते? उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमें पर्याप्त मेहनत करने के साथ समयबद्ध तरीके से रणनीति बनानी होगी। हमें अपने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करना होगा। हमें मतदाता सूची बनाने से लेकर वोट की गिनती तक रात दिन सजग, सचेत और सावधान रहना होगा। हमारी तैयारी आरंभ से मतगणना तक ऐसी होनी चाहिए कि हमारे कार्यकर्ता और सिस्टम मुस्तैदी से काम करें। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कई राज्यों में पार्टी का संगठन अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। संगठन का मजबूत होना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों और राष्ट्रीय नेताओं के सहारे राज्यों का चुनाव आप कब तक लड़ेंगे। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।